मैथ्स क्लास. यू ऑल नो दैट अवर चैप्टर नंबर 14 ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन. इन फर्स्ट वीडियो वी हैड नोन दैट व्हाट इज द सर्कल एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सर्कल. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 58 ऑफ चैप्टर 14 ज्योमेट्री. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो ओपन योर मैथ्स बुक विच इज कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4. ओके देन एक्सरसाइज नंबर 58 एंड पेज नंबर इज 222. ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर नेम. ठीक है, आपकी बुक में एक फिगर गिवन है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, इसी के बेस पे आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ए बी सी में, उसके आंसर आपको लिखना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द रेडियाई. रेडियाई क्या होता है? रेडियस होता है. ठीक है, जब एक रेडियस होता है सर्कल में तो हम उसे रेडियस बोलते हैं. जब सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं तब उसे हम रेडियाई बोलते हैं. दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस को हम रेडियाई बोलते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज ऑल द रेडियाई शोन इन द सर्कल. ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, इसको हम देखते हैं आंसर कैसे लिखे हमने. इस सर्कल में जितने भी रेडियाई है, मतलब जितने भी रेडियस है, आपको उनके नेम लिखने हैं. ठीक है, तो रेडियस होता क्या है? वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से साइड तक जॉइन होती है. ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा. ओ ए, देखो ये सेंटर से कौन सी लाइन, फर्स्ट है ओ ए, देखो मैंने लिख दिया ओ ए. ओके देन ओ ई, सेंटर का नाम क्या है? ओ. ठीक है, जो लाइन सेंटर से सर्कल की साइड पे जॉइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं. ठीक है, ओ ए. ठीक है, मैंने लिखा आंसर ओ ई, ये सेकंड है रेडियस. ओ सी, ये थर्ड है. ओके देन ओ बी, ये है आपका फोर्थ. देन ओ डी, ये यहाँ पर है. देन ओ जी. ठीक है, ये ओ एफ नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है वो सेंटर से तो स्टार्ट हो रही है. ठीक है, पास हो रही है, लेकिन सर्कल की साइड को जॉइन नहीं कर रही है. ठीक है, इसलिए ओ एफ रेडियस नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो कितने रेडियस आए? ओ ए वन, ओ ई टू, ओ सी थ्री, ओ बी फोर, ओ डी फाइव एंड ओ जी सिक्स. ठीक है, कितने रेडियाई है इस सर्कल में? टोटल 6 रेडियाई सर. ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायमीटर शोन इन द सर्कल. आप इस सर्कल में जितने भी डायमीटर्स शो हो रहे हैं उनके हमको नेम लिखने हैं. ठीक है, तो डायमीटर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं डायमीटर्स? डायमीटर्स वो होते हैं वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होकर सर्कल के दोनों साइड में जॉइन होती है. ठीक है, उसे हम कहते हैं डायमीटर. ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है. कहां पर? देखो एक ये डायमीटर है. देखो इस साइड सर्कल के इस साइड से दूसरे साइड में जॉइन हो रही है जो लाइन सेगमेंट, और जो सेंटर से पास होकर दोनों साइड में जॉइन हो रही है. कौन सा? उसका नाम क्या है? ए बी, हमने लिख दिया ए बी. ठीक है, दूसरा कहाँ है? सी डी. ठीक है, दोनों साइड पे जॉइन हो रही है और सेंटर से लाइन सेगमेंट पास हो रही है. ठीक है, सी डी. ओके, और है क्या? ए बी हो गया, सी डी हो गया, बाकी तो नहीं है. ई एफ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ये साइड को जॉइन नहीं कर रही है. एक साइड को जॉइन कर रही है, देखिए इधर साइड को जॉइन नहीं कर रही है, इट मीन्स ये डायमीटर नहीं है. ओके, सिर्फ टू डायमीटर से कौन कौन से? ए बी एंड सी डी. ठीक है, ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द कॉर्ड्स शोन इन द सर्कल. अब इस सर्कल में जितने भी कॉर्ड्स हैं उनके हमको नेम लिखने. ठीक है, कॉर्ड्स क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल के दोनों साइड में जॉइन होती है बट वो सेंटर से पास नहीं होती है. ठीक है, देखो कॉर्ड्स इसको भी बोलते हैं, डायमीटर को भी बोलते हैं. वो लाइन जो सेंटर से पास होती होकर दोनों साइड में जॉइन होती है तो वो भी एक कॉर्ड है, लेकिन उस कॉर्ड को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड या डायमीटर कहते हैं. ठीक है, इस सर्कल को ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी कॉर्ड्स हैं हमको उसके नेम लिखना है. ठीक है, हमको पूरे कॉर्ड्स के नेम लिखना है, चाहे जो लाइन दोनों साइड
सेंटर से होकर गुजरती हो या नहीं गुजरती हो, ठीक है। जो लाइन सेंटर से होकर नहीं गुजरती उसे हम कहते हैं कॉर्ड, और जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। तो हमको दोनों कॉर्ड को लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट का था ए सी, देखो ये सेंटर से होकर नहीं पास हो रही है लेकिन ये कॉर्ड है तो ए सी हमने लिख दिया, ओके। देन बी डी या डी बी, ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया, ये भी लाइन सेंटर से होकर पास नहीं हो रही है, दोनों साइड मीट कर रही है लेकिन सेंटर से होकर पास नहीं हो रही है। देन हमको लॉन्गेस्ट कॉर्ड का भी नाम लिखना है, सी डी, देखो हमने सी डी लिख दिया, ठीक है। देन ए बी, ए बी ये भी लिख दिया, ठीक है। हमको पूरे कॉर्ड्स के नेम लिखना है, कॉर्ड्स और लॉन्गेस्ट कॉर्ड दोनों को लिखना है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। फर्स्ट वी विल सी ए, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डैश, ठीक है। इस क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है कि सर्कल का हर पॉइंट कहां से, किस जगह से, किस पॉइंट से सेम डिस्टेंस में होता है, कहां से होता है, सेंटर से, ठीक है। सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से सर्कल का हर पॉइंट, उसके एज का हर पॉइंट क्या होता है, सेम डिस्टेंस में होता है। सो आंसर इज सेंटर, ओके। नेक्स्ट इज ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर डैश, मीन्स सर्कल के सभी रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, एक से ज्यादा रेडियस को हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कल के जितने भी रेडियस है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्या सेंटर से, यस। देखो ये रेडियस है, ये है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये देखो रेडियस, ये भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। सेंटर से जो लाइन साइड तक पास होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस, तो रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, सभी रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज और डैश इट्स रेडियस, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, मिस ट्वाइस होता है। देखो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, जो सर्कल के टू पॉइंट मीन साइड के टू पॉइंट में जो लाइन सेंटर से होकर पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, मीन्स ट्वाइस होता है। सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। देन नेक्स्ट इज अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। अभी हमने पढ़ा था ना डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरस, मीन्स का मतलब क्या है, सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो क्या कहलाती है, सर्कमफेरस कहलाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रू और फॉल्स, ओके। अब हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हम ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको हम उसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ओके। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आ सर्कल इज अ पॉलीगॉन, सर्कल एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब, पॉलीगॉन क्या होता है, वो फिगर जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हुए शेप्स को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो सर्कल पॉलीगॉन है क्या, देखो यहाँ पर सर्कल, सर्कल तो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनती, सर्कल तो कर्व लाइन से बनती है, मीन्स राउंड होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, और सर्कल हैज नो वर्टेक्स, सर्कल में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, मीन्स कॉर्नर नहीं होते हैं। हाँ, सर्कल में कोई वर्टेक्स या कॉर्नर होते हैं क्या, नहीं। इट मीन ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम ट्रू लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं, अ सर्कल हैज ओनली वन डायमीटर, सर्कल में सिर्फ एक ही डायमीटर होता है, होता है क्या, डायमीटर, नहीं। सर्कल में बहुत सारे डायमीटर होते हैं, देखो ये बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स, ठीक है, बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं एक सर्कल में।
देन नेक्स्ट देखते हैं, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी लॉन्गर देन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एक सर्कल का कॉर्ड सर्कल के डायमीटर से भी लंबा हो सकता है. नहीं, ये क्या है? फॉल्स. देखो, डायमीटर ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उससे लंबा कोई भी कॉर्ड नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर. एक सर्कल का रेडियस कितना सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, एक सर्कल का रेडियस हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर. ओके, सो हाउ लॉन्ग इज 8 डायमीटर, तो उसका डायमीटर कितना लंबा होगा. ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, आप देखो, मैं बस सर्कल बना देती हूँ, मैं सर्कल बना देती हूँ. ठीक है, सर्कल में हमको रेडियस कितना दिया है? ये रेडियस है, रेडियस हमको कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर. तो हमसे क्या पूछा है? हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद है, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपको मालूम है डायमीटर क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल होता है. ठीक है, डबल रेडियस मिलकर क्या बनता है? डायमीटर. ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. हमको क्वेश्चन में पहले जो गिवन है वो लिखेंगे. रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस हमको दिया है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है? डायमीटर. डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं. हम डायमीटर को का जो शॉर्ट फॉर्म है क्या यूज करते हैं? स्मॉल डी, वो लिखेंगे. ठीक है, डायमीटर को हम स्मॉल डी लिखेंगे, बाद में उसका लंबी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे. तो डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आर. ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होती है? रेडियस की रेडियस का डबल होता है. ठीक है, चलो अब इसको इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं. 2 है और हमको रेडियस दिया हुआ है. रेडियस क्या दिया हमको? 8 सेंटीमीटर. आप यहाँ पे 8 लिख दो. ठीक है, और इन दोनों को हमको ब्रैकेट क्लोज कर दो और बाहर में हम सेंटीमीटर ले देंगे, क्योंकि हमको रेडियस कितना दिया गया है? सेंटीमीटर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, 12 से कितना होता है? 16. ठीक है, आंसर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये सेंटीमीटर हम इसको आगे लगा देंगे. ठीक है, तो हमारा डायमीटर कितना आया? 16 सेंटीमीटर. यहाँ लिख दीजिए डायमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर. अब एक सर्कल है, एक सर्कल की डायमीटर कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस. अब आपको रेडियस निकालना है. ठीक है, आपको मालूम है रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. हमको जो क्वेश्चन में गिवन है पर वो लिख लेंगे. हमको क्या दिया गया है? डायमीटर दिया गया है. डायमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर गिवन है हमको क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है? क्या निकालना है? रेडियस. यहाँ पर हमको रेडियस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हमको मालूम है रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. अब चलिए ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं. डायमीटर कितना दिया गया हमको? डायमीटर तो मालूम है, डायमीटर कितना दिया गया है? 10 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और आगे सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि जो हमको डायमीटर की लेंथ दी गई है वो किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में. ठीक है, देखो ये आपको फॉर्मूला है, डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर की वैल्यू आप डाल दो 10. ठीक है, बाकी आप वैसे ही रखोगे. ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10. तो 2 फाइव ज़ा 10 हमारा इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया. ब्रैकेट को आप ओपन कर दो और सेंटीमीटर इसके आगे लगा दो. ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना निकला? 5 सेंटीमीटर. सो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर.
क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर यूजिंग कंपासेस. नेम इट्स सेंटर एस ओ. ड्रॉ एंड मार्क. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. और उस सर्कल में जो सेंटर है उसको हमको क्या नेम देना है, ओ देना है, ठीक है. पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी सी हम करेंगे. ओके चलिए पहले देखो, मैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है कॉपी में. 4 सेंटीमीटर हमको पहले हमको सर्कल बनाने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, रूलर, और इसको बोलते हैं कंपास, ठीक है. कंपास में आप पेंसिल को फिट कर लेंगे, ठीक. अब आपको मैंने यहाँ पे एक सेंटर, एक पॉइंट को फिक्स कर लिया जहाँ से मुझे सर्कल को ड्रॉ करना है. तो आप थोड़ा सा पॉइंट को नीचे से फिक्स करेंगे क्योंकि सर्कल आपका यहाँ पर स्पेस लेगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेस देना है. अब आपको 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है, रेडियस बनाना है. तो देखो मैंने 0 से ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, मैंने ये दूसरा पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया और मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है. मेरा 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच हो गया और ये हमारा रेडियस है. इसको हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर. देखो आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर का रेडियस करना है. अब आप कंपास की हेल्प से, आप कंपास का जो पॉइंट वाला एरिया है उसको आप सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और जो पेंसिल है वो एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर पे आप उसको फिक्स करेंगे, ठीक है. 4 सेंटीमीटर पर अब आपको सेंटर से इसको, आपको जो सेंटर में जो कंपास है उसको मूव नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल और कॉपी को मूव करते हुए आपको सर्कल को ड्रॉ करना है. क्योंकि सेंटर आपके फिक्स है, ठीक है. आपको ड्रॉ करना है सिर्फ पेंसिल. देखो मैं पेंसिल से कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ मेरी कॉपी हिल रही, कॉपी को मैं मूव कर रही हूँ और पेंसिल को मूव कर रही हूँ, ठीक है. अब हमने एक सर्कल बना ली, 4 सेंटीमीटर रेडियस के हमने सर्कल बना ली. अब फर्स्ट हमको क्या करना है, सर्कल बनाने के बाद हमको सेंटर को ओ नेम देना है, ठीक है. हमने ओ नेम दे दिया, सेंटर को ओ नेम दे दिया, ठीक है. ओ से हमने शो कर दिया. अब आते हैं ए पे और रेडियस ओ एम, आपको रेडियस बनाना है. देखो ये रेडियस है, ठीक है. ओ एम आपको यहाँ पे देना, ओ एम आपका रेडियस का नाम क्या हुआ, ओ एम, ठीक है. उसके बाद हमको डायमीटर बनाना है. आप डायमीटर बना लीजिए. देखो मैंने एक डायमीटर बनाया है जो सेंटर से होकर, जो लाइन सेंटर से होकर पास होती है, डायमीटर, ठीक है. उस डायमीटर का नाम क्या रखना है, एक्स वाई, ठीक है. अब उसके बाद आपको थर्ड करना है, कॉर्ड बनाना है. तो कॉर्ड कहाँ से बनाना है, एम एन, आपका कॉर्ड क्या है, एम एन. तो आपको यहाँ से ही चालू करना है एम और आपको कोई भी दूसरे साइड पर, किसी भी पॉइंट पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, कॉर्ड. तो एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. अब हमको 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ करनी है, ठीक है. जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेंटर पॉइंट बना लिया, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस होना चाहिए, ठीक है. मैंने सेंटर पॉइंट बना लिया और यहाँ से हमको 2.5 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ कर, पहले एक लाइन ड्रॉ करना है. ये देखो ये है 2.5, ठीक है, 3 और 2 के बीच में, और मैंने सेंटर से उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक. अब मैं कंपास से इसको, कंपास का जो पॉइंटेड है उसको मैंने रख दिया सेंटर पे और पेंसिल को मैंने सेट कर दिया 2.5 सेंटीमीटर पे जहाँ तक हमने लाइन खींचा था, ठीक है. अब इसको हम, अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी. देखो मैं सेंटर पॉइंट को हिला नहीं रही हूँ, सिर्फ मेरी पेंसिल को मूव कर रही हूँ और कॉपी को मूव कर रही हूँ. ऐसा करने से मेरा सर्कल बन गया, ठीक है. और ये रेडियस मैंने कितना लिया था, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, ठीक है. जितनी लंबे रेडियस के हमने सर्कल बनाया है और इस सेंटर को जो हम ओ नेम दे देंगे. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया. हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 58 ऑफ चैप्टर 14 ज्योमेट्री. ओके दिस एक्सरसाइज वॉज बेस्ड ऑन सर्कल. So I hope you have understood the circle and all the questions in this exercise very well.
So question number 1, 2, 3 you will do in your maths book. Question number 1, 2, 3 you will do in your maths book. And question number 4, 5, 6, and 7 you will do in your maths copy of exercise number 58. Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.